गाबाज़ दिल में आपका किरदार मुख्तलिफ है, कह के मैं भी अच्छा जिन बनी है, हाँ। क्या है मैम? महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू मेक फिल्म्स दीस डेज। बड़ा इंटरेस्टिंग एक जॉनरा एलिमेंट है विच इज़ के थोड़ा असरात और जिन्नात और महंगाई आर्टिस्ट को भी इफेक्ट करती। बहुत बड़े बजट पर फोकस करने के बजाय अच्छी कॉन्टेंट बेस्ड फिल्में बनाई जाएँ। थोड़ी चुलबुली है, थोड़ी फन है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी सीरियस पर्सनैलिटी, अब तो ये मेरी पर्सनैलिटी से बड़ा हट के रोल है। ईद उल फितर का रोज़ है और खुशियों भरे इस दिन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा महविश शहाब साहिबा। उनकी एक फिल्म आ रही है, बल्कि रिलीज़ हो चुकी है आज के दिन, दगाबाज़ दिल। ये वाहिद पाकिस्तानी फिल्म है जो ईद उल फितर पर रिलीज़ हो रही है और हमेशा की तरह इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है और आज के दिन भी ये पाकिस्तान को ही सर्व कर रही हैं अपनी फिल्म रिलीज़ करके। महविश, बड़ा मुश्किल था, लोग तो प्रोड्यूसर्स कोशिश करते हैं कि त्यौहारों पर ईद फिल्म रिलीज़ करें, लेकिन हमने इस बार देखा है कि आप ही की फिल्म है जो फिल्म सिनेमाघरों की जीरत बन रही है, तो पहले तो अपनी फिल्म के बारे में बताइएगा और इसकी वजह बताइएगा क्या हुआ फिल्म इंडस्ट्री को हमारी। जी, ईद पे हमारी फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, दगाबाज दिल। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट्स अ रोम कॉम और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जॉनरा एलिमेंट है विच इज़ के थोड़ा असरात और जिन्नात और इस तरह की चीज़ भी है जो कि जिसके बारे में हमेशा बात होती है बट कभी फिल्म में इस तरह दिखाया नहीं गया पाकिस्तानी फिल्म में, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। बहुत फन मूवी है, इसमें मेरे साथ अली रहमान है, मोमिन साकिब हैं और भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के बड़े नाम हैं इसमें। सो या आई एम होपिंग कि लोगों को पसंद आएगी। ईद हमारा एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें लोगों को बाहर निकलते हैं, कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, ईदी होती है जेब में। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू स्पेंड योर ईदी, टू गेट एंटरटेन्ड एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छा, आप बड़ी वोकल रही हैं हमेशा, फिल्म इंडस्ट्री को हुआ क्या है, कोई वजूहत हैं कोई, मतलब सिनेमा इंडस्ट्री, हमने देखा है कि स्क्रीन्स भी बंद हो रही हैं, जाहिर है बिजली के बिल अखराजात लोगों के बढ़ी जा रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई गवर्नमेंट से आप इस पुरमसरत मौके पर कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहूँगी कि हमें जितनी हम फिल्म्स रिलीज़ करेंगे, जितनी फिल्म्स बनेंगी, उतना ज़्यादा सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और हमारी क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल पाएगी। बट इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि इस दफ़ा वाकई ईद पे कोई फिल्म नहीं थी और ये फिल्म बल्कि बनाई ही इस थॉट के साथ गई कि ये फिल्म बाद में रिलीज़ होनी थी, बट हमने इसको जल्दी फिनिश इसलिए किया ताकि हम ईद के इस मौके को कैप्चर कर सकें। आई थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट कि काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू मेक फिल्म्स दीस डेज। महंगाई आर्टिस्ट को भी इफेक्ट करती? ऑफ कोर्स करती है, जब काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बिकॉज यू नो वी रिलाई ऑन द मनी दैट वी मेक थ्रू आर फिल्म्स एंड ड्रामास, तो ऑफ कोर्स इफेक्ट होता है और सब इफेक्ट होते हैं, सिर्फ हम एक्टर्स ही नहीं, जो टेक्निकल स्टाफ है, जो बिहाइंड द कैमरा इतने सारे लोग काम कर रहे थे, उनकी भी रोज़ी इसी से बंधी है। सो या मुझे लगता है कि बहुत बड़े बजट पे फोकस करने के बजाय अच्छी कंटेंट बेस्ड फिल्में बनाई जाएं, जैसे कि मेरी पिछले कुछ अर्से में आई थी तेरी मेरी कहानियाँ, विच वॉज थ्री शॉर्ट फिल्म्स को मिला के उन्होंने बनाई थी एक फिल्म, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, कम बजट में भी फिल्में बनाई जा सकती हैं, बट वी नीड मोर कॉन्टेंट, वी नीड मोर फिल्म। दगाबाज़ दिल में आपका किरदार मुख्तलिफ है, मतलब जिन पता लग रहा है कि मैं भी अच्छा जिन बनी है, हाँ। क्या है मैम? ये तो सरप्राइज़ है, मैं नहीं बता सकती, लेकिन अच्छा, जिन का रद्दो अमल दखल जिन का है उसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा, बड़ी बेबाक सी लड़की है और उसको पता है कि उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए एंड शी फाइट्स फॉर हर राइट्स, ऐसा मैंने बहुत सारे रोल्स में भी किया है वैसे, लेकिन इस वाली में थोड़ी चुलबुली है, थोड़ी फन है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी सीरियस पर्सनैलिटी, अब तो ये मेरी पर्सनैलिटी से बड़ा हट के रोल है और काफ़ी मज़े का, हाँ मज़े का एक एलिमेंट है इसमें, फैमिली ड्रामा है तो उसमें बड़ा मज़ा आया, बहुत तेज़ तेज़ करके बोलती है ये लड़की और अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छा इसमें बड़ा रियल कैरेक्टर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने हनी सिंह के साथ अभी कोलैबोरेशन किया है, तो जो इंडियन पंजाब है, पहले आपको गीपी ग्रेवाल ने कहा कि मैं अगर फिल्म करूँगा तो मैं महविश शहाब के साथ करूँगा, फिर अब वहाँ की मतलब पूरे इंडिया का बहुत पॉपुलर सिंगर है, लेकिन हनी सिंह के साथ आपकी कोलैबोरेशन, उसकी जर्नी मुख्तसन बताएंगी, आपने पिक्चर भी शेयर की। जी जी, सो वी हैव बीन हमने काफ़ी अरसे से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कोलैबोरेशन करनी है और इस पर काफ़ी अरसे से बात चल रही थी, बट वो भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी, सो फाइनली हमें टाइम मिला कि हमने जो है वो मीटिंग की, इसको डिस्कस किया एंड देन ऑन माई, अभी जब रिसेंट ट्रिप थी तो हमने वो गाना रिकॉर्ड किया दुबई में स्टूडियो में, बड़ा फन पार्टी सॉन्ग है और यो यो हनी सिंह का उसमें बड़ा वही वाला है, वो जो पुराने वाले जो हनी सिंह का जो फ्लेवर है वो वाला है, एंड आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू कोलैबोरेट, बिकॉज इस तरह की
यू नो क्रॉस बॉर्डर कोलेबरेशन होनी चाहिए बिकॉज वी आर द ब्रिज बिटवीन यू नो पीपल एंड वी आर द वंस आर्टिस्ट ही तो हैं जो इन दूरियों को ख़त्म कर सकते हैं. तो आपकी कोलेबरेशन गानों की हद तक हो गई है, तो फिल्म की हद तक कब होगी इंडिया के साथ, इंडियन पंजाब के साथ चलें? लेट्स सी मुझे ऑफर्स भी आई हैं इंडियन पंजाबी फिल्मों की और कुछ अच्छी भी स्क्रिप्ट्स हैं. सो इन द फ्यूचर हो भी सकता है कि इन द नियर फ्यूचर कोई फिल्म अनाउंस हो जाए. बेस्ट विशेज आपके लिए. और हमारे साथ महवेश याद मौजूद थी, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की. और इसकी इनकी जो फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज़ हुई है दगाबाज दिल, इसके ट्रेलर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि महवेश इस फिल्म में मुख्तलिफ किरदार मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आ रही हैं. तो आप तमाम लोग जो घर बैठे हैं वो सिनेमा में जाके इनकी फिल्म ज़रूर देखें.